जीवीजी फिल्म्स के बैनर तले बनियानों की मर्डर मिस्ट्री वाली हिंदी फिल्म खेल खलास 31 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी जानकारी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म की प्रोड्यूसर सह लीड अभिनेत्री योगिता राठौर ने दी। तो वहीं योगिता राठौर की दूसरी फिल्म के भी मुहूर्त इस मौके पर किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे अभिजीत राणे। तौर पर की ऊंचाई पर प्रस्थान हुआ है। तौर पर मेरे योगिता जी ने जो फिल्म मैंने शुरुआत की थी खेल, उसका आज 31 मार्च को ऑल इंडिया और आज का यहाँ पर होने वाला है और हम से आए हैं। मैं यूनियन के माध्यम से जुड़े हुए लगभग अधिक वर्करों की योगिता राठौड़ और खाए देता हूँ और सब योगिता जी के साथ उनकी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोटो और वीडियो सामने आई थी, आप पत्थर मारे थे, तो ये क्या कहना चाहेंगे? मर्डर मिस्ट्री, और इस कहानी के जो पात्र हैं वो 5 कपल के ऊपर स्टोरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी तक मार्केट में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं, 5 कपल मरते हैं, उनके बाद उसका रीजन बताते हैं, हमारी एक कहानी में 2 कॉन्सेप्ट है जिसमें से इंटरवल से पहले तक सबका मर्डर है और सेकेंड पार्ट में है कि जो मर्डरिस्ट पकड़ा गया है तो मर्डर क्यों कर रहा है, तो एक फ्लैशबैक में उसकी स्टोरी है। तो हमने एक ही मूवी में 2 कहानी बताई। करेक्टर वाइज जैसे हमारे इसमें नेगेटिव करेक्टर भी है, पॉजिटिव भी है, तो 5 तरह के हमें बॉयज चाहिए थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट आया, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब थे मिस्टर अमन, उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक, हम बोल सकते हैं कि एक एक हीरे को बताना चाह रहा हूँ कि योगिता जी और अमन जी राजस्थान के रहने वाले हैं, बीकानेर से हैं। इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे संघर्ष किया है मुंबई में और काफ़ी समय संघर्ष करके अच्छी स्टोरी लेके इन्होंने अपना खुद का पैसा लगा के एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए हैं ये लोग। तो एक अलग सस्पेंस थ्रिलर जो इन्होंने बनाई है, मैंने इसके बारे में सारी फिल्म के कुछ शॉर्ट्स भी देखे हैं और मुझे ये बहुत अच्छे लगा इनका प्रयास। मैं बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई फिल्म की जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा हटके था, थोड़ा अलग था, तो हमने उस पर डिस्कशन करके यही फाइनल किया कि भी कॉन्सेप्ट अपने को यही करना है और आर्टिस्ट भी हमने वैसे ही सेलेक्ट किए। और अभी जो है बहुत थोड़ी सी मेहनत की और प्रयास किया था कि वे अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट को निकाल के लाएं, और रिलीजिंग अब जो है हो रही है तो बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत लोगों की दुआएँ हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी मीडिया परिवार आया उन हमने राजस्थान में ही कम्प्लीट की थी, और जहाँ प्रॉब्लम्स की बात है वहाँ पे थोड़ा सा कहीं पर भी हो देखो प्रॉब्लम्स आती हैं, नई टीम होती है, कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन बहुत मैं उन लोगों का थोड़ा सा धन्यवाद पहले कहूँगा कि सहयोग जिन्होंने किया, आगे आए, सपोर्ट किया। और मेरी टीम को सबसे पहले मैं ये धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि भी मेरी टीम ने बहुत सहयोग किया। मेरी जो आने वाली फिल्म है उसका टाइटल है प्यार का रिश्तनामा। टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार में रिस्क तो होता ही है। इसी तरह से हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉमेडी और लव स्टोरी है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम ये पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसके आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग सोचते भी नहीं हैं, तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह की उसमें। मैडम सबसे पहले तो मैं योगिता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इसमें एक बार फिर चांस मिल रहा है और प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छा काम करूं, और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो इसको फ्लोर पे लेके जाएं। और टीम पहले जो हमने हमारे पास में अच्छी जो टीम थी उसी तरीके से इस बार भी हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छी टीम ले, अच्छे लोगों को चांस मिले। कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं, न्यू आर्टिस्ट होते हैं, तो हम लोग प्रयास यही करेंगे कि भी कुछ जो पुराने जो आर्टिस्ट उनके साथ में न्यू आर्टिस्ट भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, तो प्रयास ये रहेगा।
कि आज जी की फिल्म का मुझे लगता है रिलीजिंग डेट फाइनल, दूसरी फिल्म का मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है खेल खलास, युवा लोगों को बहुत ही एंटरटेन, और हम एक स्टूडियोज उसके राज और फिल्मांकन हमारी दो कंपनी है। इस फिल्म 31 मई को देश में हम लोग इस फिल्म को और काफ़ी मात्रा दे रहे हैं, जो अच्छे से है कि ये जो फिल्म है ज़बरदस्त चलेगी, युवा होगा इस फिल्म का। अमन मेरा एक्ट्रेस उसने बहुत अच्छी बनी है, बहुत मेहनत की है, लड़कियों पर इतना हो गई एकदम प्रोड्यूसर बात है, बहुत मेहनत कर, डायरेक्टर भी बहुत मेहनत किया, टेलर थोड़ा बहुत अच्छी लगी फिल्म बहुत। थैंक यू, मेरा शुभकामना है आप लोगों को, थैंक्स आप मिल के आप लोगों को, थैंक यू। और मैं जो कलर्स के एक्टर हैं, गीता जी को शुभकामना देने के लिए अपनी शूटिंग छोड़ के मूवी के लिए मैं बहुत शुभकामना पर हिट हो काफ़ी दूर, और सारा भी शो आने वाला है तो जल्द कॉन्ग्रेचुलेशन हो। खेल खलास है, हिस्ट्री में बॉक्स ऑफिस में खलास अच्छा लगता है, और योगिता जी और इस टीम के अच्छा रहे, अच्छा काम रहे इससे बढ़ के, और लेट्स से अभी किरदार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और जब चलेगा आप क्या कहना चाहेंगे खेल खलास रिलीज होने जा रही है, कितनी खुशी इस बात की? एक कल्पना को एक आकार दिया, एक रूप दिया, खेल खलास को एक रूप दे करके इतने संघर्ष द्वारा बनाया है, मैंने खुद उसमें जो है लीड किया है, तो बहुत ही संघर्ष किया है इस फिल्म को लेकर के, और इसमें काफ़ी मेहनत भी की है, दर्शकों को इस फिल्म को लेकर के काफ़ी मज़ा आएगा। और बिना मेहनत की भी कोई फिल्म बनती है नहीं।